नर्मदापुरम जिले की सिवनीमालबा तहसील में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के समित पटेल, सुनील रघुवंशी सहित 1000 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जिसकी जानकारी शुक्रवार शाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता समित पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि सिवनीमालबा में हम लोग लगभग 2 वर्षों से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले ही जब पर्यवेक्षक आए थे तो हमारे द्वारा उन्हें ये कहा गया था, हमें लोकल का कोई भी प्रत्याशी स्वीकार है, परंतु किसी भी बाहरी प्रत्याशी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु आम आदमी पार्टी के द्वारा सर्वे को दरकिनार करते हुए बाहरी व्यक्ति को ही टिकट दे दी गई, जिसे हमारे कार्यकर्ता ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते सभी से चर्चा के बाद हमारे द्वारा फैसला लिया गया है। हम सब सामूहिक रूप से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें लगभग 20 पदाधिकारी सहित 1000 कार्यकर्ता शामिल हैं। सभी 30 अक्टूबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। वही आम आदमी पार्टी के सुनील रघुवंशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती के लिए काम किया, लेकिन पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, जिससे आहत होकर नगर के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी छोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं, वे सभी 30 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। हम सभी सिवनीमालवा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के साथी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी की कुछ ऐसा निर्णय रहा टिकट को लेके, हम लोगों की मांग थी कि कोई भी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया। उसके बाद में हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया कि हम लोग आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र देंगे। लगभग कितने लोग आपके साथ हैं? पदाधिकारी में हमारे साथ लगभग 20 पदाधिकारी है, और सिवनीमालवा विधानसभा के अलावा हमारे जो साथी हैं होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के पिपरिया सोहागपुर बाबई के, वो भी हमारे साथ त्याग पत्र देंगे आने वाले समय में। जब हम लोगों ने ये मन बनाया कि हमें बाहरी प्रत्याशी के साथ नहीं जाना है, तो हमारे जो स्थानीय साथी थे गांव-गांव, हमारे जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमको ताकत दी, कंधे से कंधा लड़ाया, हम उनके पास गए, उनसे संपर्क किया, और उन लोगों ने जो हमको फैसला दिया, उस फैसले के हिसाब से हम आने वाले समय में स्थानीय प्रत्याशी जो हमारी मांगों को पूरी कर सके, हमारे क्षेत्र के काम कर सके, ऐसे प्रत्याशी के साथ हम 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में है, विकल्प में आपको कांग्रेस ही क्यों नजर आई, भाजपा में जाने का फैसला क्या कार्यशैली से आपको लगा? भाजपा का जो रीति नीति है वो बदल चुका है, जो अटल जी की भाजपा थी वो भाजपा खत्म हो चुकी है। आज की भाजपा एक कॉरपोरेट भाजपा हो गई है, जो काम करना नहीं चाहती और पैसे आधारित राजनीति को बढ़ावा दे रही है। हम बात करें स्थानीय, तो यहाँ पे 5 साल से, चूंकि हमारा क्षेत्र किसानी क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बिजली, नहर और अन्य जो हमारी सोयाबीन, मूंग, इनकी जो बिक्री है, इसकी व्यवस्था हमारी गड़बड़ाई और चरमराई हुई है। तो इन स्थानीय मुद्दों पे भाजपा फेल है, इसलिए हम भाजपा के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विकल्प में कांग्रेस आपने चुना है, कांग्रेस में भी पलायन का दौर जारी है, तो किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, बहुत पुराना दल है, भारत का आज का सबसे पुराना दल है, तो बिखराव तो होता है, जहां पे बढ़ावा होता है वहां बिखराव भी होता है। बिखराव हो रहा है ये अच्छी बात है, हो सकता है उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही हो, और वो बड़े लीडर हैं जो बिखराव की ओर है, उन्होंने यहाँ पे 50 साल 40 साल कई लोगों ने शासन किया है, ऐसे लोग मुझे लगता है कि पार्टी के साथ रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी उन लोगों का जो मानना है, तो भी हम लोग यहाँ पे पार्टी के, और हम तो हमारे लोगों के काम करवाने आ रहे हैं, क्षेत्र की जनता के काम करवाने आए हैं, और हम यहाँ पे क्षेत्र की जनता के काम के लिए बैठे हैं, और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
हम 1500 लोगों के साथ में, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में, माननीय कमलनाथ जी या अन्य कोई भी नेता आता है 30 तारीख को, उनके समक्ष आम आदमी पार्टी से इस्तीफा आज हम दे रहे हैं और 30 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आप आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा अलग है, उससे कैसे सामंजस्य? हमारी जो विचारधारा है वो काम की है, जो हमारी और हमारे साथियों की विचारधारा है वो काम की। हम आम आदमी पार्टी, जिसका हमारे स्थानीय क्षेत्र में कोई वजूद नहीं था, उसमें भी हमने जान फूंकने का काम किया और काम आधारित राजनीति को हमने माना है। हमारा यही इच्छा है कि हम जब भी कोई काम करें तो वो जनता के हित का हो, और जहां पे जनता का हित हम नहीं कर पाएंगे वहां हम रह भी नहीं पाएंगे। किस प्रकार का हम लोगों ने वर्तमान परिस्थितियां, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव को छोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी ने बमुश्किल 70 से 80 सीटें घोषित की। दूसरी चीज हमें ये देखने को मिला कि यहाँ भी जो जिताऊ कैंडिडेट था, जो स्थानीय प्रत्याशी थे, उनको सर्वे के आधार के बाद भी नकारा। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर अपना पैर जमाना नहीं चाहता। अब उनकी क्या मंशा है, उनके क्या गठबंधन है, किससे क्या घोषित व्यवस्थाएं हैं, ये वो जाने। हम आम आदमी पार्टी में विकास की राजनीति के लिए आए थे, विचारधारा अच्छी है, केजरीवाल जी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरीके के फैसले वर्तमान परिस्थितियों में पिछले 4 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने लिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए घातक है। आज हम आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, आम आदमी पार्टी में हमने जो काम किए, हमारे लोगों के जो काम करवाए, वो हमारी जमीनी मेहनत थी। समित भाई मेरे साथ हैं, इनकी जमीनी मेहनत थी, हमारे सभी 1000-2000 कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, हमारे वोटरों की मेहनत थी। लेकिन आने वाले समय में जब पार्टी के पर्यवेक्षक लोग यहाँ आए, उनसे हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में ये कहा कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, आप किसी को भी टिकट दें। समित भाई टिकट के दावेदार नहीं थे, इनसे कहा, इन्होंने अपना नाम वापस लिया, मुझसे कहा, मैंने मना किया, हमें नहीं लड़ना, आप किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को दे दें, आपको जो पसंद हो सिवनी विधानसभा के अंदर, आपकी पसंद का, लेकिन स्थानीय दें, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारा वोटर स्थानीय चाहता। वर्तमान प्रत्याशी जिसको दिया, उस प्रत्याशी में कोई बुराई नहीं, उस प्रत्याशी की एक ही बुराई है कि वो बाहरी है, उसको यहाँ जनता स्वीकार नहीं कर रही, हमारा कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा कि हमारे स्थानीय व्यक्ति को हमें वोट देना है, बाहरी को क्यों दें। बाहर का व्यक्ति आज आया है, चुनाव की स्थिति यह है, 244,000 मतदाता हमारी विधानसभा क्षेत्र में है, अगर उसमें लगभग 200,000 वोट भी पड़ता है तो आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि अगर हमारा स्थानीय कार्यकर्ता उनको साथ ना दे तो हम जमानत भी बचा पाए। अगर आज हमारी जमानत नहीं बचेगी, हम जनता के लोगों के काम कैसे करेंगे? हम विकास के लिए आए थे,